हेलो कॉन्करर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव दुलकिया कॉन्करवल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सो गाइस, अभी बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। एपिक पाइथन सीरीज जो हमारी चल रही है उसके वीडियोस बनाने में गाइस बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। इवेंचुअली गाइस, आप अगर अच्छा रिस्पांस दोगे तो और ज्यादा मजा आएगा। बट गाइस, हमने यहाँ पे अपना प्लेलिस्ट बना दिया है एंड इवेंचुअली गाइस यहाँ पे दो वीडियोस अभी तक अपलोड हो चुके हैं एंड एवरी अल्टरनेट डे आई एम ट्राइंग टू अपलोड अ वीडियो। तो गाइस, यहाँ पे अभी तक दो वीडियोस आ गए, मतलब पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है और कौन सा आईडीई हम यूज करने वाले हैं। इवेंचुअली गाइस हम यहाँ पे इंटेलिजेंट आईडिया यूज करेंगे, बट अगर आपको दूसरा कोई आईडी एज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट यूज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि आईडी यही होना चाहिए, बट वी आर यूजिंग इंटेलिजेंट आईडिया क्योंकि थोड़ी सी प्रोफेशनल वाली फीलिंग आती है कि नहीं। बाकी कोई एडवर्टीजमेंट के पैसे नहीं मिले, आपको जो भी अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो। बट एक मेरी बहुत बढ़िया रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप ये वीडियो अपने मोबाइल फोन में देख रहे हो तो बंद कर दो जल्दी से इस वीडियो को। इवेंचुअली गाइज, पहले अपना लैपटॉप या फिर पीसी ओपन कर लो, अपने पहले दो वीडियोस जो है वो देख लो, पाइथन इंस्टॉल कर लो, आईडीई कोई भी एक इंस्टॉल कर लो, उसके बाद जाकर ये वीडियो को देखना। मतलब अगर आप सिर्फ वीडियो देखोगे तो यार वीडियो देखकर स्विमिंग नहीं सीखा जा सकता है। ओके, उसके लिए प्रैक्टिकल करना जरूरी है। वैसे ही गाइज, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। इवन गाइज, हमने एक GitHub पे रिपोजिटरी भी बना ली है जहाँ पे मैं एक एक कोड को अपलोड करता जाऊंगा, तो आप वहां से उसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकोगे, है कि नहीं। तो चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं और अपनी स्क्रीन पर आ जाते हैं और साथ साथ में जानते हैं कि प्रिंट फंक्शन है क्या। पहले उसकी थोड़ी सी एप्लीकेशंस देखते हैं और उसके बाद देखेंगे उसको कैसे हमें यूज करना है, कैसे हम उसको लिख सकते हैं कोड में। ओके, तो यार आपने पबजी तो खेली होगी, अगर नहीं खेली तब भी आपको पता होगा कि अगर आप पबजी में मतलब रैंगल खेल रहे हो, लिविक खेल रहे हो, तो यार यहाँ पे अगर आप जीत गए तो आपके सामने आता है विनर विनर चिकन डिनर। ओके, तो ये जो चीज आई वो कैसे आई, वो लिखी हुई कैसे आई? तो गाइस वो आती है प्रिंट फंक्शन से। ओके, तो प्रिंट फंक्शन से आप कोई भी चीज को शो कर सकते हो, कोई भी अपना जो रिजल्ट आ रहा है उसको शो कर सकते हो। आपको ऊपर अलाइव किल्स वो सभी चीजें भी दिखती है, तो वो कैसे आप देख सकते हो? वो एक प्रिंट फंक्शन की वजह से देख सकते हो। इवेंचुअली उसमें नंबर कम हो रहे या फिर बढ़ रहे हैं वो कैसे हो रहा है? तो वो वेरिएबल्स वजह से हो रहा है। ओके, अब वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के बारे में बात हो रही है। तो हमने ये तो समझ लिया कि उसकी एप्लीकेशन क्या है। हमारे पास अगर जोमेटो एप्लीकेशन है तो जोमेटो में आप कुछ भी खोलो तो आपके पास मेन्यू लिस्ट पूरा प्रिंट होके आता है, तो वो प्रिंट फंक्शन से ही प्रिंट हो रहा है। सही है गाइज, तो प्रिंट फंक्शन का ये यूज था। अब जानते हैं कि उसको कैसे लिखना है, उसको कैसे यूज कर सकते हैं। और हम बैकएंड में बैठे हुए, किसी को सामने दिखाना है, हमें किसी को शो करवाना है कुछ भी, तो हम प्रिंट फंक्शन से कैसे करवा सकते हैं? तो चलिए गाइज, डायरेक्टली अपना वर्कस्पेस ओपन करते हैं और हमने जो फोल्डर बनाया था फर्स्ट वीडियो में वो डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं। तो मैं जाता हूँ वर्कस्पेस में, यहाँ पे हमने पाइथन ट्यूटोरियल्स का एक फोल्डर बना के रखा हुआ है, यहाँ पे हम इसको ओपन एज अ फोल्डर कर लेंगे। तो गाइज, अभी अपना इंटेलिजेंट आइडिया हो गया है ओपन, तो डायरेक्टली हम पहले तो यार हमारा ट्यूटोरियल वन का हमने बना के रखा हुआ था फाइल tutorial1.py। तो गाइज, आज हम जो प्रिंट फंक्शन देखने वाले हैं वो कैसे वर्क करता है वो देखने वाले हैं, तो उसके लिए एक अलग फाइल बना लेते हैं। तो डायरेक्टली मैं गाइज यहाँ पे फोल्डर पे राइट क्लिक करूंगा, पाइथन ट्यूटोरियल्स का जो फोल्डर है जो नेम है उस पर राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे जाऊंगा और पाइथन फाइल सिलेक्ट कर लूंगा, वहां पे लिखूंगा print underscore fun और डायरेक्टली हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब इसके पीछे जो .py का एक्सटेंशन है वो अपने आप आ जाएगा। अब डायरेक्टली इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं तो आपको अच्छे से दिख जाए। तो गाइस, प्रिंट फंक्शन को यूज करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा प्रिंट, और गाइस साथ साथ में आपको लिखना होगा दो ब्रैकेट्स। ओके, दो ओपन और क्लोज ब्रैकेट्स। तो गाइस आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक हमने लिखा प्रिंट और उसके बाद डायरेक्टली हम ओपन क्लोज ब्रैकेट लिख लेंगे, और उसके बीच में अगर आपको कोई भी वर्ड या सेंटेंस डालना है तो उसको आपको लिखना पड़ेगा एज अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट स्ट्रिंग को लिखने के लिए आपको उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालना पड़ता है। कोई भी वर्ड या फिर सेंटेंस प्रिंट करवाने के लिए इन्वर्टेड कॉमा इज मैंडेटरी। तो डायरेक्टली गाइज हम यहाँ पे लिखेंगे हेलो कॉन्करर्स, और यहाँ पे हमें एक अंडरलाइन दिख रही है इस ब्रेकेट के नीचे, एक येलो अंडरलाइन, तो वो एक एरर आ रही है। वो क्या एरर आ रही है? यहाँ पे एक वीक वार्निंग दिखा रहा है हमें, और यहाँ पे कह रहा है कि नो न्यू लाइन एट द एंड ऑफ द फाइल। तो एक न्यू लाइन होनी चाहिए, एक ब्लैंक स्पेस होनी चाहिए, हमने डाल दिया एक ब्लैंक स्पेस, एक एंटर ही मारना था क्योंकि यार इंटेलिजेंट आइडिया हमारा कोड है वो क्लीन रखवाना चाहता है, तो हम रख लेंगे अपना कोड क्लीन, है कि नहीं। तो डायरेक्टली हमने यहाँ पे लिख लिया है हेलो कॉन्करर्स। अब इसको रन करवाना है तो कैसे करवाएंगे? तो गाइज उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली राइट क्लिक करो और डायरेक्टली रन पे क्लिक करना है। अब ऊपर भी आपको वो रन का बटन दिख रहा है, रन का बटन तो ऊपर भी है, तो क्यों वो यूज नहीं कर रहा है? गाइज आप पहली बार कभी भी कोई भी एक फाइल को रन करवाने जाओगे तो वो वहां से रन नहीं होगी। ओके, आपको पहले एक बार राइट क्लिक कर यहाँ पे रन का बटन एक बार उसको क्लिक करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो डायरेक्टली हम उसको क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब एक साइड जाने दो मुझे, अब देख सकते हो आप यहाँ पे हेलो कॉन्करर्स प्रिंट होके आ चुका है, राइट गाइस। तो ये बहुत अच्छी चीज थी। अभी अगर हमें कोई नंबर प्रिंट करवाना है
तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अगर हमें कोई भी एक नंबर जैसे कि 12 है तो मुझे 12 प्रिंट करवाना है, तो वो नंबर हो गया, एक इंटीजर हो गया, इंटीजर भी एक डेटा टाइप है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो गाइज हमें यहाँ पे अगर 12 को प्रिंट करवाना है तो हमें उसके लिए इन्वर्टेड कॉमा नहीं डालने होंगे, डायरेक्टली हम लिख लेंगे 12 एज इन इट इज एन इंटीजर। तो गाइज यहाँ पे हमें फिर से अब हम ऊपर का जो रन का बटन है वो यूज कर सकते हैं। तो हमने जैसे उस पर क्लिक करा, यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो कॉन्करर्स भी प्रिंट हो चुका है और उसके नीचे 12 भी प्रिंट हो चुका है। ओके, और अब देखते हैं कि अगर हम इन्वर्टेड कॉमा ना डालें कोई वर्ड के आजू बाजू में तो क्या होगा, मतलब कि एरर कैसी आएगी, राइट? तो डायरेक्टली हम लिखते हैं प्रिंट, ये वैसे भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है यार, हम प्रोग्रामर है, कॉपी पेस्ट तो हमारी मतलब पहली नीड है। अब यहां से मैं हटा रहा हूं इस इन्वर्टेड कॉमा को, और जैसे ही हटाऊंगा और रन करूंगा मेरे सामने आ जाएगी एक बढ़िया सी बहुत ही बेस्ट एरर, जो कि है सिंटेक्स एरर, एज इन इनवैलिड सिंटेक्स दिखा रहा है मैं यहाँ पे। अब इनवैलिड सिंटेक्स क्या है, मतलब कि उसकी स्टाइलिंग बहुत गलत है, मतलब ये जैसे मैंने लिखा है वो इनवैलिड है। ओके, तो हमें वैलिड करवाने के लिए क्या करना होगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो डायरेक्टली हम जैसे उस पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे हमारा काम हो जाएगा खत्म। तो यहाँ पे अगर हम इस कोड को कर ले एक बार कमेंट आउट, और वहां पे ही हम अगर लिख ले, मतलब आप लोग जब भी इस फाइल को डाउनलोड करोगे तो आपको पता रहना चाहिए, है कि नहीं? तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख लेंगे सिंटैक्स एरर विच इज इनवैलिड सिंटैक्स। ओके, तो गाइज यहाँ पे हमारे पास एक बहुत बढ़िया सी चीज आ गई है कि इनवैलिड सिंटैक्स की जो एरर है वो ऐसे आती है, तो ऐसी मिस्टेक हमारे से नहीं होनी चाहिए। अब ये तीन चीज हमने देख ली, अब यार प्रिंट फंक्शन क्या है वो हमें समझ में आ गया है, प्रिंट फंक्शन की एप्लीकेशंस क्या है वो भी हमें समझ में आ गई है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे कि डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो सभी चीजें हम जानेंगे। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे गाइस, सी यू गाइस लेटर।